बीजेपी। एक तरफ देश में कोरोना संकट है और दूसरी तरफ महंगाई का संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन इसलिए कि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अगर सरसों का तेल लेने जाओगे जनाब 5 लीटर तो 800 से ऊपर आएगा, और वहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग नाराज हैं। रसोई घर का बजट आसमान छू रहा है, लोग परेशान, और इस वक्त यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कोरोना का संकट है और महंगाई का भी संकट, और उसके बाद 7 लाख स्मार्ट मीटर भी इंस्टॉल होने वाले हैं। क्या लगता है कि पहले तो मैं जम्मू परिवर्तन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उदय भानु चिब जी और हमारे इंचार्ज जगदेव गागा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट जीएम मीर साहब और रमन भल्ला साहब की अध्यक्षता में किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, लगातार 2 महीने से 3 से 4 बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है और दूसरी तरफ इन्होंने जनता को रिलीफ तो क्या देना है, उल्टा जनता के सिर पर और महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तेल और डीजल के दाम कम करे, नहीं तो यूथ कांग्रेस कोरोना की वजह से आज कम लोग इकट्ठे हुए हैं, आने वाले समय में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे इनको कि ऐसा नहीं चलेगा जो आप जनता के ऊपर इतना भार डाल रहे हो, जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पेट्रोल की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सस्ता है, क्योंकि खाने पीने वाले सरसों का तेल वो महंगा है। सर, सस्ता इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। आप अगर इनका कंपैरिजन करेंगे, 2014 में पेट्रोल का रेट 55 या 60 था, आज 100 रुपये तक पहुंच गया है। जो ये बीजेपी सरकार बोलती है 60 साल का नारा, 60 साल में पेट्रोल 60 रुपये तक पहुंचा और उन्होंने 7 साल में 100 क्रॉस कर दिया। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बातें करते हुए। दूसरी बात, रसोई गैस की कीमतें ले रहो, जो 450 रुपये का सिलेंडर था आज 1000 रुपये के करीब जा पहुंचा है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो पहले इसकी सब्सिडी आती थी, एक साल से इसकी सब्सिडी आना भी बंद हो गई है। ये सरकार ने लोगों को धोखे में रखा है और जनता इसका जवाब देगी। जनता धोखे में मान लिया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सब्सिडी का इशू है, तो क्या लगता है इसके लिए ऑपोजिशन को क्या कुछ करना चाहिए? आप प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन से असर होगा केंद्र सरकार को? सर, ऑपोजिशन का जो हमारी तरफ से बनता है, हम रोडों पर भी उतरे हैं और जिन जिन जनता के जो मुद्दे हो हैं पहले भी थे, यूथ कांग्रेस पहले भी रोडों पे उतरी थी, आने वाले समय में भी रोडों में उतरेगी और इसका आप देखते जाइए, आने वाले समय में जनता जवाब देगी इनको, जिस तरह से इन्होंने महंगाई इतनी आसमान छू रही है और ये सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। 2014 की बात करें तो जब सिलेंडर की कीमतें बढ़ी थी तो केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज वही सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या लगता है कि खामोशी क्यों? सर, कांग्रेस के टाइम में 350-400 से ज़्यादा ये हमें सिलेंडर की कीमतें 350-400 तक थी, आज ये 900 प्लस पहुंच गई है और इन्होंने एक साल से सब्सिडी भी इसकी बंद की हुई है। इन्होंने ये तय करके रखा हुआ है कि गरीब बंदे को हमने मारना ही मारना है। इन्होंने बोला था कि हम गरीबी नहीं रहने देंगे और वाकई ये ऐसा कर रहे हैं। गरीब रहेगा ही नहीं तो गरीबी कहाँ से रहेगी? ये गरीब बंदे को मार रहे हैं और जो आप देख रहे थे लॉकडाउन में, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, 500-600 रुपया दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो लोग कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि हम गरीब बंदे को ही कुछ उनके खाते में डालें। जो 15-15 लाख देने की बात थी वो तो अलग रहेगी, वो तो इन्होंने जो दिया वो तो लोगों को पता ही है, पर जो गरीब बंदा है उनको कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में तो इनको डालना चाहिए था। वो आज गरीब बंदा मरता जा रहा है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोरोना टाइम में हमें एक ही लीडर, हमारा जो रमन भल्ला साहब, जो बावे नई बस्ती अपनी असेंबली में हर जगह आपको घूमते मिले और उनको कोरोना के उन्होंने कोरोना का डर नहीं रखा, अपने गरीबों की, वो गरीबों के नेता हैं और गरीबों के लिए वो रोड पे उतरे, आज भी वो हमारे गरीबों के लिए खड़े हैं। एनी टाइम वो हमारे गरीबों की हेल्प करते हैं, कोई भी उनके घर पे चला जाए एनी टाइम उनके दरवाजे खुले हैं, वो हर टाइम
वो लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं अगर किसी को परेशानी हो तो। हमें ऐसे लीडर चाहिए, ना कि जो हमें भाड़े का टट्टू बोलते हैं, हमें ऐसे लीडर चाहिए। लोग इनको वोट दे के अब इनको जवाब बताएंगे। जिन लोगों ने इनको झोलियां भर के वोट दिए थे, आज ये उनको भाड़े का टट्टू बोलते हैं। जनता इनसे सवाल क्या करे, जनता इनसे क्या सवाल करेगी, ये उनका जवाब ही नहीं देते हैं। अरविंद रैना जी बात करते करते गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और बोलते हैं हम बैठे दे हैं, अस बैठे दे हैं। क्या बैठे दे हो आप, क्या बैठे दे हो आप, देख लो क्या हाल कर रहे हैं जी हमारे लोगों का। इन्होंने जगह जगह पे शराब के ठेके खोल दिए हैं। ये काम यूथ कांग्रेस नहीं होने देगी और यही मैं चाहता हूं कि इनको पेट्रोल डीजल की कीमत कम। क्या लगता है जिस तरह से अब वाइन शॉप की बात की जाए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू में, मंदिरों के शहर में, यानी कि हर एक मोहल्ले की अगर बात करें जहाँ जहाँ वाइन शॉप को लिए लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं, क्या लगता है आपको कि ये पॉलिसी से? सर पहले मैं आपको उस बात का जवाब देना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि आम जनता क्यों नहीं दिख रही। सर ये सरकार इतनी तेज है कि ये जो महंगाई कर रही है ना, इस कोरोना पीरियड के दौरान कर रही है, और इस पीरियड के दौरान पता है कि दुनिया बाहर निकल नहीं सकती है, आम बंदा कैसे बाहर निकलेगा। सर पर मैं बताना चाहूँगा यूथ कांग्रेस हमेशा आम जनता के लिए खड़ी हुई है, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी होती रहेगी। और जहाँ जहाँ सर हमें जरूरत पड़ेगी हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, उबर के आएंगे, जैसे जैसे कोरोना पीरियड ठीक होगा और उबर के आएंगे। तो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन यूथ कांग्रेस कर रही है। एक तरफ सरसों के तेल की कीमतें आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल भी पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही है, रसोई घर का बजट बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा खामोश, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन कैमरामैन अभी।